हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरा यूनिट विद्युत रसायन का 9 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो 2023 के एग्जाम में पूछने की चांसेस हैं। भैया ये सभी रिपीटेड ये सभी क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करके ही जाना है। इससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जी, क्योंकि या बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो तब चल रही होगी। तो इसके लिए बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा कि कैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, और बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता कि कैसे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो में बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो एक कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए तो नीचे कुछ ऑप्शन आपके पास दिखाई देंगे। उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद 360 पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। अब यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, धातुओं की प्रकृति पर, या विलयनों के ताप पर, या मोलरता, मतलब विलयनों की मोलरता पर, या इनमें से सभी पर। परंतु याद रखें भैया, जो इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव होता है ना, वो धातुओं की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उसके बाद विलयनों के ताप पर भी निर्भर करता है, मोलरता पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से सभी, मतलब ये वाला ऑप्शन जो हो गया सही हो जाएगा, क्योंकि भैया प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी, और मोलरता, तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन भैया? इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको आपको याद रखना है। अब आते हैं दूसरा, यहां पे लिखा गया है धातु जो सरलता से आकर्षित हो जाता है, मतलब ऐसा धातु जो सरलता से आसानी से ही आकर्षित हो जाता है। यहां पे लिखा गया है Cu, यहां पे Ag है, यहां पे Al है, यहां पे Pt है। परंतु याद रखेंगे जो एल्युमिनियम होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। ठीक है, आते हैं तीसरे पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या लिखा गया, ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। मतलब इसमें से कहा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएगा, अपचयित होगा। पर तो यहाँ पे लिखा गया है NO2O, फिर से MgO, फिर से L2O3, फिर से Ag2O। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे MgO फिर से लिखा गया है, फिर से L2O, फिर से AgO2, परंतु ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है। क्या कहा जा रहा है? हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है, तो कौन हो जाएगा भैया? क्या Ag2O? ठीक है, Ag2O, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इस सभी को आपको याद करना ही होगा। ठीक है, या तो आप इसको जब जाइएगा एग्जाम में, उससे पहले आप एक बार इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ऐसे है ना कि मतलब समझ में नहीं आता है कि कहा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको भले ही यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि ये है, परंतु समझ में बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में आता होगा, नहीं तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, रट्टा मार के ही जाएंगे। इसको पढ़ना ही पड़ेगा भैया, या तो आप बेसिक्स टू हाई पढ़िए, या आपको रट्टा मार के ही इसको काम चलाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस प्रकार कर लीजिएगा। अगला आता है चौथा, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापन नहीं कर सकता है वह। अब यहाँ पे कहा जा रहा है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl से क्या हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकता, वह है। कौन है भैया जो जो हाइड्रोक्लोरिक से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता? तो जिंक तो भैया कर देगा, ये जो कॉपर है ना, ये नहीं कर सकता है। तो इसको आपको याद रखना है कि मतलब HCl जो होता है, HCl में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो कौन नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे जो Cu है, कॉपर है, यही एक है जो नहीं कर सकता है, तो इसको याद रखना है। आते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट पर, यहाँ पे कहा गया अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले कौन पदार्थ है भैया? तो यहाँ पे लिखा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, यहाँ पे लिखा है प्रबल वैद्युत अपघट्य, यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत अपघट्य उत्प्रेरक। अब इनमें से कौन भैया है जो भैया चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। तो जो प्रबल क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, ये भैया ये चालकत्व वाले, चालकत्व विलयन मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। कौन? प्रबल वैद्युत अपघट्य वाले। ठीक है,
और ये प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या करते हैं, तेजी से किसी विलियन को अस्कंदित कर देते हैं। अस्कंदित मतलब क्या होता है भैया, थक्का करना, उसको थक्का मतलब उसके जो अवयवी कण होंगे एकजुट हो जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे, तो ये अस्कंदित कर देता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। अगला आता है, देखिए यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए आपको नीचे लिख दिया गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो छूटे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है विशिष्ट चालकता की इकाई है। अब इकाई का मतलब मात्रक, ठीक है ना, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है कौन होता है भैया, यहाँ पे लिखा है सेमी इनवर्स और फिर से ओम इनवर्स, तो इसको आपको याद रखना है सेमी इनवर्स इनटू ओम इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भैया, यही हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक, ठीक है। अगला आता है जल के वैद्युत अपघटन में बिना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भारात्मक अनुपात है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जल के जब वैद्युत अपघटन होता है, जल का जब वैद्युत अपघटन होगा तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होगा, ठीक है, उनका भारात्मक या द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का। तो ये तो आप देख ही लिए होंगे क्या होता है, दो संबंधी एक का अनुपात होगा, इसका मतलब तो समझ गए होंगे ना, जल का जब वैद्युत अपघटन होगा, ठीक है, जल का जब वैद्युत अपघटन होता है तो उस समय क्या होगा, हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात दो संबंधी एक होता है, तो इसको याद रखना है। आते हैं आठवें पर, यहां पे लिखा गया है CuSO4 के एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। मतलब ये क्या जा रहा है कि CuSO4 है इसको एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है, परंतु क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं जो कॉपर होता है वो अपचयित हो जाता है, जब एल्यूमिनियम के बोतल में हम रखेंगे CuSO4 का तो इसमें से जो कॉपर है ये क्या हो जाएगा भैया, अपचयित हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं एल्यूमिनियम के बोतल में नहीं रखते हैं। अगला आता है भैया, यहाँ पे लिखा गया है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अब यहाँ पे लिखा गया है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो याद रखेंगे भैया क्या होता है, घटता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि बढ़ता है, कभी घटता है, ठीक है, या अपरिवर्तित रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, या घटता है। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे तनुता बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, जो विशिष्ट चालकता होगा वो घटने लगेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये जो 9 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं यही कहूंगा, इसको अभी को आप एक नोट्स में लिख लीजिएगा, एग्जाम देने से मतलब प्रत्येक दिन में, तो यही कहूंगा कि अगर टाइम मिले तो प्रत्येक दिन एक एक बार रिवीजन करते जाइएगा, केवल आपको इसको दोहराना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम आए तो आपको केवल रिवीजन करके चले जाएंगे, तो आपके पास यदि एक क्वेश्चन आता है तो आपको अनुभव हो जाएगा कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए, उसके साथ साथ बहुविकल्पीय क्वेश्चन को भी करा दिया जाए, तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप करना है। हम मान लेते हैं क्लास 12th का आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में लिंक चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक और मैसेज कर देना है, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।